यत इंदिरा सास्वदात्री। गोपियां कह रहे हैं श्याम सुंदर, जब से तुमने ब्रज में जन्म हुए ना, जन्मना ब्रज, जब से तुमने ब्रज में जन्म हुए तब से तो ब्रज के में जय जयकार हो रहे, जय जयकार हो रहे तब से। लेकिन केवल तुम्हारी गोपियां ही दुखी नहीं तो सबके सब सुखी है। हाँ, ये गोपियां कह रही है। मतलब और कहां पर, मतलब ब्रह्मा जी जब ब्रह्म स्तुति करते हैं और स्तुति का पहला श्लोक में बोले नव मिटते अभ्रभकुशे तड़िताम्बराय गुंजाव तंस परिपीचलस समुकाय। ब्रह्मा जी कहते हैं पशुपांग जाय, बोले कृष्ण कौन है, बोले पशुप मतलब गैया को जो चराने वाले हैं। कहते कौन गैया को कौन चराए, नंद बाबा चराए, वसुदेव थोड़ी चराए। इसलिए जो गैया को चराने वाले है श्री नंद बाबा, उनकी अंगस जो प्रकट हुई है ये कौन है, श्री नंद के लाला, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये नंद उत्सव को जो वर्णना करते हैं, इसका पहला श्लोक है भले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, भले नंदस्तु आत्मद, भले कृष्ण कौन है, भले नंद बाबा की आत्मा से जो प्रकट हुए है ये कौन है, भले श्री नंद के लाला है, भले श्री नंद के लाला की। फिर श्री गर्गाचार्य जब कृष्ण का नामकरण कर रहे हैं, कहते श्री नंद बाबा तुम्हारी ये जो लाला है ना, कहते कुचित जात तथा तबात्मज, ये बेटा तेरा ही लाला है, लेकिन कुचित अयम वासुदेवस्य, उसने कभी श्री वसुदेव का बेटा बन करके भी आया है, लेकिन ये बेटा किसका, बोले तबात्मज, तुम्हारी बेटा कभी वसुदेव बन का बेटा भी बन करके आया, इसलिए इसका तो नाम एक कृष्ण होगा लेकिन इसका नाम एक वासुदेव भी, क्यों, वसुदेव का बेटा श्री वासुदेव भी होगा। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक में बताए कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके, बोले कृष्ण जन्म क्यों हुए। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आज अपि सन्न अभयात्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन्न प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, भले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं मैं अजन्मा हूं, लेकिन वो अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लेते हैं। फिर हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बात बताए, आज मैं 10 कारण बताऊंगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कल आपसे सुनूंगा, मैं देखूंगा कौन बोल पाएगा, जो बोल देगा ना उसको इनाम दूंगा, एक एक कापी और एक एक पेन लेकर काम करनी चाहिए, लेकिन सब खाली हाथ में आते हैं और कथा खत्म हो जाता ना पल्लू झाड़ कर चले जाते हैं, बोले कथा यहीं पर रहे हम तो घर में जा रहे, ठीक है। अभी ध्यान देकर सुनो, कृष्ण क्यों अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लिए, मैं पूछूंगा सब बच्चों को पूछूंगा, बड़े बूढ़ों को नहीं पूछूंगा, उनको तो याद नहीं रहेगी, ठीक है। हरे कृष्णा, इसका कुछ विशेष कारण है, कुछ साधारण कारण है, बोले साधारण कारण क्या है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले अर्जुन जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, वो ब्राह्मण साधु पृथ्वी स्त्री इनके ऊपर में अत्याचार होने लगती है, मैं तब तक इस जगत में अवतीर्ण होकर के संतों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ, ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया, बोले भक्तों को पर मैं अनुग्रह करने के लिए आता हूँ। अगर भगवान कृष्ण जन्म नहीं होते, जैसे बैठ कर कथा सुनते, फिर हम फिर कथा सुनते क्या, घर में बैठ कर टीवी देखते, बेटी बहू की बात करते, हमारी कल्याण कैसे होता, हमारी उद्धार कैसे होता। इसलिए भगवान सुंदर सुंदर मीठे मीठे लीला करके भक्तों का मन भक्ति में डूब जाए, प्रभु की लीला में डूब जाए, हमारी कल्याण हो, इसलिए प्रभु की सुंदर सुंदर
लीला करते हैं, ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले जब जब कारागार में देवकी वसुदेव के पास में जब चतुर्भुज रूप में प्रभु आए, बोले प्रभु आपको तो मैंने बालक रूप में प्रार्थना किया था, आप तो इतने बड़े बनकर के आए। बोले तुम्हारी पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतबा थे, कठोर तपस्या की दोनों पति पत्नी, संसार का कोई विषय भोग नहीं किया, पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा करके तुम लोगों ने तपस्या की। मैंने पूछा भैया बताओ क्या चाहिए, इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु आप मेरे हमारी एक लाला बन के जाओ, आप जैसे मेरे को एक पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे थोड़ी कोई होते, मेरे जैसे तो मैं हूं, क्योंकि शास्त्र कहता है न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते, भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, भगवान की बराबर भी जगत में कोई नहीं। बोले ठीक है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन कर के आऊंगा। बताओ तो कितना कारण हो गया, बोलो बोलो कितना कारण हो, कोई गिन नहीं है, कितना कारण हो, जोर जोर से बोलो, तीन हुआ है। हैं कहते चौथा कारण बताए, ये द्रोण और ये धरा ये दोनों भी कठोर तपस्या की ब्रह्मा की। ब्रह्मा बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु जैसे एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, अगर बच्चा कोई उल्टा पुल्टा करे ना, गड़बड़ी करे, मैया जैसे डांट लगाती है, शासन करती है, हैं कान मोल देती है, उसी तरह मैं भी भगवान को ऐसे अपना बेटे रूप में पाना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, यही श्री नंद और यशोदा बन करके आए, ये चार कारण हो गया। पंचमा कारण है, जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए, अभी सुपर्ण का प्रभु का रूप देख करके मुग्ध हो गई। बोले प्रभु मेरे को ब्याह कर लो, शादी कर लो। बोले मेरे साथ में तो ऑलरेडी सीता है। इतने में देखा लक्ष्मण लकड़ी लेने के लिए गया था, वापस आया, बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले भैया ये भी तो कम सुंदर नहीं है, इतनी बड़ी सुंदर है, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता, पूछ करके देख ले। लक्ष्मण को बोले मेरे से ब्याह कर ले। बोले मैंने तो देखा तुमने प्रभु राम से कुछ प्रार्थना कर रही थी, बताओ तुम रानी बनना चाहते हो ना, तुम नौकरानी? बोले रानी। बोले भैया मैं तो राम का सेवक हूँ, अगर मेरे से शादी करोगे ना, सेवकाई करते करते थक जाओगे, कहाँ तू रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जाओ राम के पास में। फिर राम स्वीकार नहीं की, सुपर्ण का बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ, मैं जाचना करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं रावण की बहनी हूँ, लगता है ये सीता जितने गड़बड़ी करने वाले, इसकी वजह से शादी नहीं कर रहे हो ना, इसी को मैं खा जाती हूँ। इतने में सुपर्ण खा ने अपना भयंकर रूप धारण की, राम लक्ष्मण का आदेश दिया तो लक्ष्मण उसको नाक कान काट दिए। बोले क्यों? कारण किया भाई शादी करना नहीं करो, एक स्त्री की नाक कान क्यों काट दे दिया हो? लक्ष्मण ये गुरु जी है, गुरु जी का काम है शिष्य को उपयुक्त बना करके ठाकुर को सेवा में लगाए। अभी लक्ष्मण समझ गए ये तो प्रभु को हृदय में बैठा लिए, अरे भगवान भाव की भूखे प्रभु, भगवान भाव की भूखे है, अभी तो राम की बन गई और किसकी बन करके मत रहना। एक स्त्री इतने सुंदरी क्यों नहीं हो, अगर उसको नाक कान काट तो उसको कोई शादी करेगा दुनिया में? बोले और किसी और तो किसी के भी बन करके मत रहना, बन करके रहना तो किसके बन करके रहो, श्री राम का ही बन करके रहो। इसलिए वही सुपड़े था, फिर राम लीला में कहते ये कुब्जा बन करके आती है और भगवान इनकी इच्छाओं को ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताओ कितना कारण हो गया, कितना हो गया, छह कारण हो गया, कौन बोल रहा है छह, तू गिन रहे हो ना, पांच कारण हो गया ना, हाँ। कहते उसका छठवां कारण बताए, उसका छठवां कारण बताए। बोले जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में गए, बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो रही थी। जब भगवान राम गए, राम और श्याम देखने में बराबर है, अभी राम को देख करके इनकी श्याम की याद आई,
राम से बोले प्रभु हमसे शादी कर लो, बोले नहीं, ये रामावतार में तो मैं अकेली पत्नी सीता है और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए हो, इसलिए वही जो ऋषि लोग थे ये सब के सब गोपी बन करके आए और भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी करने दिया। कितना हो गया? कितना हो गया? छह ना सात हो गया, छह हो गया। इसलिए सब आप लोग ठीक से कोई गिन नहीं रहे, लगता है कोई गिन रहे हो, लगता है कोई गिन नहीं रहे, सब सुन रहे हो। इसलिए और क्या कारण है, बोले एक धोबिन थी, वो गई हुई थी अपना पीहर, जब पीहर से वापस आ रही थी उसको एक नदी पार करना चाहिए था, लेकिन उस समय रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, हो गया था शाम। कपट ने कहा रात में तेरे को मैं पार नहीं करा सकता, उसको मजबूरी में एक रात कपट के घर में बिताना पड़ा। दूसरे दिन ही आई, कपट ने पूछा, उसको पति ने पूछा पिछली रात में थी कहां, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं थोड़ी राम हूं, रावण सीता को उठा करके ले गया और एक साल तक रख लिया, और सीता आई तो प्रभु राम क्या किया, उसको बराबर आसन में स्थान दे दिया, मैं रावण मैं राम नहीं हूं, इसलिए तुमने रात जहां पर बिताई ना जा वहीं पर बिताओ जिंदगी भर, वहीं पर जिंदगी भर बिताओ। लेकिन वो धोबी को पता ही नहीं था रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो नकली सीता थी, माया सीता थी, हैं? क्योंकि जो सीता है ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी है, रावण एक राक्षस है, वो माँ सीता को कैसे उठा कर ले जाएगी, वो तो लक्ष्मी है। कहते उनको उठाने का बात दूर की बात है, वो दर्शन तक भी माँ सीता को नहीं कर सकती है, वो नकली सीता को उठा करके ले गया था, क्यों, भगवान राम को अभी सारे रावण वंश को ध्वंस करना था। लेकिन ये धोबी को तो ये बात पता ही नहीं, उसने ऐसे बोल दिया, बोल दिया तो भगवान राम ने ये माताओं के लिए शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ सीता को उन्होंने सारा जीवन के लिए त्याग दे दिया। लेकिन रामचंद्र हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे, वशिष्ठ जी ने कहा बगैर पत्नी के ये यज्ञ नहीं कर सकते हो, तेरे पिता तो तीन तीन शादी किया तू और भी शादी कर ले। लेकिन राम ने कहा देखो मैं सीते को छोड़ करके और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। देखो भगवान जैसे पुरुषों के लिए शिक्षा दिया ना, माताओं के लिए भी शिक्षा दिया, शिक्षा देते हैं जब हम एक पत्नी को स्वीकार करते हैं, जब एक स्त्री से शादी करते हैं हमारी कर्तव्य नहीं फिर दूसरे से भी शादी कर ले। एक को पालन करना कितना कठिन है आपको पता होगा, जो शादी किए होंगे देखना एक स्त्री से अगर जीवन किस तरह से बीत जाए, समझो गंगा में हाथ नहा, गंगा में स्नान कर लिया, एक तो एक को तो ठीक से खिला पिला नहीं पा रहे हैं और पालन नहीं कर पा रहे हैं फिर दूसरे से शादी करें, मना किया है। और जो स्त्रियां जो एक बार शादी कर ली, जैसे माता सीता है, भगवान राम को राम ने सीता को त्याग दिया, सीता जाकर और किसी को शादी नहीं कर ली, क्योंकि मैया सीता भी माताओं के लिए शिक्षा दी है, जब हम एक पुरुष से शादी कर लेते हैं फिर हमें इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं, एक को पास में ही स्थिर होकर के रहो और भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से, हरे इसे छत उठ जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए अभी जब उन्होंने सीता को त्याग दी, वशिष्ठ जी ने कहा देखो और एक उपाय है, जो क्षत्रिय है वो सोने के सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके फिर ये यज्ञ कर सकता है, बल्कि ये तो मैं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने हर साल एक सोने की सीता बनाते थे, वशिष्ठ जी उसमें प्राण संचार करते थे और सीता माता जी स्वयं सीता बन जाती थी।
भैया इतने सीता गए कहाँ, इतने सीते सब गए कहाँ, वो सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए और हमारे प्रभु कृष्ण उनका स्वीकार किया। कहते ये भी एक कारण है, कितना हो गया, आठ ना नौ हो गया, आठ हो गया, सात ना आठ हुआ, आठ हो गया, हरे कृष्ण। और ये कारण बताए, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जनकपुरी गए, विश्वामित्र जी से बोले गुरु जी थोड़ा आदेश दो, ये जनकपुरी छोड़ा दर्शन करके आए। बोले जनकपुरी दर्शन नहीं करना, सबको दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए, क्या दो सुंदर बालक लग रहा था, मानो चंद्र सूरज एक साथ में प्रकट हो गए, जैसे दो मतवाला हाथी चल रहे हैं, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीताम्बर पहने एक नीलाम्बर पहने, दोनों घास में धनुष मुकुट पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर कृष्ण और श्री राम थे, राम और श्री लक्ष्मण थे। जिस गली में जाए उसी गली में हला मच जाती है, बोले श्री राम लक्ष्मण की जयकार में आनंद नहीं आया, कोई बोले हे, कोई बोले जय, जोर से बोलो बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी जो सुने सबके सब प्रभु को दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े, और विशेष करके सीता की जितने सहेलियां थी ना कुंवारियां, कोई झरक से कोई छत के ऊपर से देख रही थी, जो झरक से देख रही थी दोनों का तब ठीक से दर्शन कर रही थी, लेकिन जो छत के ऊपर से देख रही थी ना राम का स्वभाव, क्या स्वभाव, कभी भी उन्होंने पराई स्त्रियों को प्रति कभी उन्होंने देखा ही नहीं सर उठा करके, हर समय प्रभु सर नीचा करके प्रभु चलते थे। लेकिन अभी जो छत के ऊपर में खड़ी हुई सब किशोरियां, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए छत के ऊपर से ना प्रकाश रही थी, बोले क्यों, हो सकता है थोड़ा ऊपर देखेंगे, लेकिन प्रभु कभी ऊपर सर उठाते नहीं। साथ में था लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन, बोले गुरु जी, बोले गुरु जी का काम क्या, बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु जी का काम है। लक्ष्मण जी ने बोले प्रभु जी थोड़ा ऊपर देखो ना, देखो भक्त लोग कैसे दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। प्रभु राम बोले खबरदार, ये माया की नगरी, सीता नगरी माया नगरी, इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर को झूठा करके नीचे चलो, ऊपर देखना नहीं। इतने में बारंबार प्रार्थना करे गुरु, प्रभु थोड़ा देखो, प्रभु थोड़ा देखो, देखो। अगर हम लोग डायरेक्ट अगर प्रभु को दर्शन करना चाहते ना, प्रभु दर्शन नहीं होता है। अगर गुरु जी की अनुगत्य में हम क्यों कहते हैं किसी गुरु जी को हाथों से हरिनाम लो, अपने आप हरिनाम नहीं करना, किसी साधु की आश्रय ले करके भजन करनी चाहिए। कहते जब हमारा लिए गुरु जी ठाकुर जी को प्रार्थना करने ना, फिर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर ठाकुर का दर्शन होता है। इसलिए बारंबार लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार देख लो, प्रभु एक बार देख लो। अभी लक्ष्मण का आदेश को पालन करते हुए प्रभु राम एक बार केवल ऊपर उन्हें झांक कर देखे, देखते ही ना जितनी किशोरियां थी सबके सब बेहोश हो गए। जब उनकी होश आई अभी राम को पीछे पड़ गए, बोले प्रभु शादी कर लो हमसे, प्रभु शादी कर लो। राम बोले लक्ष्मण तेरे को मैं पहले से मना कर रहा था, ऊपर मत दिखा करो, देखो सबके सब पीछे, तू शादी कर, तू सबके साथ। राम ने कहा देखो ये रामा अवतार में तो एक सीता को सिवाय मैं किसको ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आई हो, फिर मैं तुम सबको धारण करूंगा, सबको स्वीकार करेगा। देखो हमारे कृष्ण ऐसे के देवता है ना, उनको कोई कुबड़ी आ जाए, कोई राक्षसी आ जाए, कोई भी उनको पास में आ जाए ना, प्रभु किसको छोड़े नहीं, प्रभु सबको स्वीकार कर लिया। यहाँ शिक्षा देते हैं कृष्ण भक्ति करोगे ना, प्रभु कभी तुमको त्याग नहीं दे, कभी त्याग नहीं, भले ही तुम जैसे तैसे क्यों नहीं हो, लेकिन हृदय से एक बार प्रभु को बोलो प्रभु जी मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, बस इतना बोल दो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते ये भी एक कारण है, हैं? कहते दसवां कारण क्या है, कल भगवान बामन आए थे ना, अभी बामन देव को देख करके बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला, और भगवान तो बड़े सुंदर
हाँ बालक बन करके आए थे, बड़े प्यारे थे। कहते माताओं का एक स्वभाव है, अगर किसी सुंदर किसी बालक को देख लेना, उनके मन में इच्छा होती है भैया हम इसको गोद में ले, इसको प्यार करें। अभी उनकी बेटी की इच्छा हुई, अगर ये मेरे बेटे बन करके आते तो दिन भर में गोद में लेकर उसको प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तेरा लाला बन कर ही आ जाऊंगो। लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, बोले बलि बड़ा टीघा करा था, इतने दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ तीसरे पग में कहां रखूं। उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके उन्होंने नाग फांस बंधने में बांध दिए। जब बांध दिए, उनकी बेटी सोच रही है, बोले भैया ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया और पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी, बीस पिलाऊंगी। वही फिर कृष्ण लीला में बताओ क्या बन करके आई, क्या बन करके आई, बाबा ये सब पंडित यहाँ बैठे हुए, अच्छी बात है। इसलिए सबके सब ये पुतना बन करके आई, और ठाकुर जी उसकी भी इच्छा ठाकुर जी पूरी करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जगत में ठाकुर जी आने का बहुत सारे कारण है। अभी हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला होकर कैसे आए। बोले श्री परजन बाबा के पांच बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। जब पहले पहले नियम होता था, चार हमारे आश्रम ठाकुर जी बनाया, पहले 25 साल तक सबके सब ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए गुरुकुल में जाते थे 25 साल तक रह करके। जैसे अभी बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सब शिक्षा को प्राप्त करते थे। पहले केवल एक ही वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत यही केवल पढ़ाई होती थी पहले, और थोड़ी हिसाब किताब लिखते थे, थोड़ा हिसाब किताब करते थे, हैं? पहले यही सब सब्जेक्ट होता था। अभी 25 साल तो गुरुकुल में पढ़ने का बाद फिर गुरु जी बोलते थे बताओ बेटा अभी क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, अभी ये वेद पुराण उपनिषद को पढ़ करके जिसको ये समझ में आ जाती थी, ये मानव जन्म दुर्लभ है, ठाकुर जी बारंबार नहीं देते, और इसी जीवन में ही प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं और किसी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर वो क्या करता था, फिर उन्होंने गुरु जी को बोलता था, गुरु जी मैं तो आपकी श्री चरण में रह करके आपकी सेवा करते करते भक्ति करते करते ये संसार से पार हो जाना चाहता हूँ। फिर वो गुरु जी की चरण में रह करके भजन करके संसार से पार हो जाता था। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार की इच्छा रहती थी, बगैर शादी सुधा के रह नहीं सकते हैं, तो गुरु जी बोलते देख बेटा घर में चले जा, जा करके अपना धर्म पत्नी को साथ में, धर्म को साथ में अपना घर गृहस्थी करना, धर्म को ज्यादा नहीं करते हुए, अधर्म के द्वारा नहीं, धर्म पूर्वक पति पत्नी दोनों रह करके क्या करना। वो गृहस्थ है, गृहस्थ मतलब क्या है, शादी करके भोग में मस्त हो जाओ, नहीं। इसलिए शास्त्र ने बताया एक गृह मेथी और एक गृह व्रत और एक गृहस्थ। बोले भैया इसका मतलब क्या, बोले गृह मेथी, गृह मेथी मतलब है वो सवेरे से लेकर के शाम तक, देखना जिनकी दिमाग में सवेरे उठते क्या याद आता है, घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, आलू है कि नहीं, चावल है कि नहीं, देखना सवेरे से लेकर के शाम तक ना दिमाग में यही चीज घूमती है, दाल नमक चीनी हल्दी में जिंदगी भर इसमें बीत जाती है। कहते भैया ये कौन है, बोले गृह मेधी, बोले दिमाग में इसके सिवा और कोई चीज सोचती नहीं। कहते गृह व्रत, बोले गृह व्रत का मतलब क्या है, जिसने ये घर को ही अपना जीवन का व्रत बना दिया, शादी करो लिखाई पढ़ाई करो, बच्चों को जन्म दो, उनको लिखा पढ़ा सिखाओ, शादी शुदा करो और मर जा, जैसे जानवर जैसे बच्चे जन्म दिए खाए पिए और मर गए, इनको बताया ये गृह व्रत, जिसने ये गृह को ही जीवन का व्रत बना दिया, हमें ये नहीं बननी है। क्या बनना है, बोले गृहस्थ। बोले भैया गृहस्थ का डेफिनेशन क्या है,
हैं, जब श्री पंच पांडव की शादी हो गई, पांच पांच भाई शादी हो गए, एक दिन इनकी घर में श्री नारद जी आए, तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी को सिंहासन में बैठा करके प्रश्न कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज बोले, हे नारद जी, हम पांच पांच भाइयों की शादी हो गई है, अभी घर में सभी की बहू आ गई और बच्चे भी हो गए, अब हमें ऐसे कुछ ज्ञान की बात बताओ, हम ये घर में रहते हुए, हम भगवान की भक्ति करते हुए हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमको संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री युधिष्ठिर महाराज को श्री नारद जी बताते हैं, बोले, गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। ध्यान दे रहे सबके सब, ये बहुत काम की बात है, ऐसे नहीं कथा में आए बैठे और घर में चले गए, कुछ लेकर के जाओ, इतनी सी चीज लेकर के जाओ, हम घर में रहते हुए कैसे भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की भजन हम कैसे करें, ठीक है ना। बोले, गृहे उपस्थित राजन, बोले घर में रहते हुए क्या करो, क्रिया कुर्बन जथोचिता, पाप कर्म से झूठ बेईमानी करके पैसा नहीं कमानी चाहिए, धर्म मार्ग में रह करके धर्म को साथ में पैसा को उपार्जन करो, हैं, और वासुदेव अर्पण साक्षात, जो कुछ करते हो भगवान के लिए किया करो, ठाकुर जी के लिए किया करो, पैसा कमाओ खूब, बोले पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, पैसा लक्ष्मी ना, पैसा क्यों कमा रहे हो, लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे कि बस भक्ति हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर उदाहरण दिया, वो कहते हैं, राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। देखो ये चीज को समझो, जैसे एक रखो सीधा हाथ में के सुना दो, बताओ तो कितना होगा, बोलो कौन बोलेगा, बोलो हाथ उठा, एक रख करके सीधा हाथ में के जीरो सुना दिया, कितना होगा, दस होगा, लेकिन पहले कितना था, एक, लेकिन एक रख करके जब एक सुन दे दिया झट जो एक दस गुण हो गया, और एक सुन दो कितना होगा, सौ होगा, पहले था दस लेकिन जब एक सुन दे दिया ना दस हो गया सौ, मतलब झट दस दस गुण बढ़ गया, और एक सुन दो कितना होगा, हजार, पहले था सौ लेकिन एक सुन देने पर जो सौ है वो झट हो गया दस गुण हजार। अभी एक को हटा लो, अभी एक जीरो दो कितना होगा, बोलो जीरो, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, देखो यही चीज को समझा रहे हैं, कहते अगर एक को रख करके जब हम एक एक सुनत देते हैं वो दस 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 गुण बढ़ रहा है, लेकिन जब एक को हटा करके सुनत दे रहे हैं वो जीरो जीरो है, वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू किसका, एक को, हाँ यही चीज को समझो। बोले एक किया है, बोले भगवान की भक्ति, बोले ये संसार किया, बोले जीरो, संसार जीरो ही है, संसार में कोई किसके नहीं है, एक दिन सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा, हमारे पिता भी गए, पिता भी गए, पिता भी गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, यहाँ रहने पर चाहने पर भी आप रह नहीं सकते, एक दिन सबको ये संसार छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये संसार जीरो है, केवल ये जीरो संसार, लेकिन जीरो होने पर भी ये हीरो हो सकता है, बोले कैसे हीरो होगा, बोले एक को साथ में अगर जुड़ जाए ये जो जीरो हीरो हो जाएगा, लेकिन एक क्या, बोले भगवान की भक्ति है, पैसा कमाओ, अगर बोले क्यों पैसा कमाओ, बोले बीवी है ना, बच्चे है ना, पैसा के बगैर संसार कैसे चलेगा, ये हो गया जीरो, लेकिन अगर पैसा कमाते हो बोले क्यों, बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगी, हम ठाकुर को सेवा के लिए कमा रहे हैं, हो गया हीरो, बोले खाना बना रहे हो रोज बढ़िया बढ़िया, बोले क्यों, बोले मैं खाऊंगा, बोले बच्चे खाएंगे, बोले बीवी पति खाएगा, ये जीरो हो गया, तुम्हारा सब बेकार हो गया, लेकिन क्यों खाना बना रहे हो, बोले ठाकुर को भोग लगे, बस जीरो हो गया, हीरो हो गया, बोले घर में झाड़ू लगा रहे हो, बोले कहाँ लगा रहे हो, बोले मेरे घर है ना, हमने बनाया ये घर को, मेरे घर है, ये जीरो हो गया, लेकिन अगर सोचोगे ये ठाकुर का दरबार है, ठाकुर जी के मंदिर में, बस हीरो हो गया। बोले क्यों स्नान कर रहे हो, स्नान करके कपड़े क्यों पहन रहे हो, बोले गद्दा शरीर से संसार का काम कैसे करेंगे, ये जीरो,
लेकिन अगर कोई सोचे भैया बगैर स्नान के बगैर कपड़े पहन करके अच्छे कपड़े पहन करके तभी तो ठाकुर को सेवा करेंगे, बास हो गया, हीरो हो गया। देखो इसलिए किस चीज को हमें छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को प्रभु के साथ में जोड़ लो, प्रभु के साथ में जोड़ लो। गोस्वामी जी यही कहते हैं, अगर प्रभु की भक्ति को साथ में जोड़ लोगे सब धन्य हो जाएगा तुम्हारी, घर नहीं भगवान की दरबार में। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, हे श्री युधिष्ठिर महाराज, अगर सब कुछ तुम ठाकुर के लिए करते हो, भगवान घर में रह करके भक्ति करते हो, वो तुम्हारी घर नहीं, कोई घर ही तुम्हारी वृंदावन, घर ही तुम्हारी वैकुंठ है। लेकिन जिस घर में प्रभु का भजन भक्ति कुछ नहीं, खाओ पियो मर जाओ, गधे कुत्ते जैसे खा पी करके बच्चे जन्म देकर मर जाते हैं, बोले वो गृह मेधी और ये गृह व्रत है, वो गृहस्थ उसको नहीं कहते हैं। इसलिए गुरु जी कहते देख बेटा, लेकिन ये काम कब होगा, जैसे सुन लिया क्या घर में जाकर करना शुरू कर दो, नहीं हो सकता है। जब तक हम किसी सदगुरु की शरण में नहीं आते हैं, जब तक हम किसी सदगुरु की शरण में नहीं आते हैं, वो कथा तो इधर सुनोगे सब इधर निकल जाएगा, कुछ दिल में टिकेगी नहीं, दिल में कुछ टिकेगी नहीं। लेकिन जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, दीक्षा मंत्र लेकर के भजन करते हैं ना, फिर तो ये चीज हमारी हृदय में उतर सकती है, नहीं कोई चीज उतरेगी नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं, वो भी घर गृहस्थी करते हैं, लेकिन सबके सब प्रभु की भक्ति करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, हरि नाम करते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं। इसलिए भक्ति का जो सबसे पहला चीज है, सबसे पहले गुरु जी की शरणापन्न हो करके फिर भगवान की भक्ति करो, तो फिर तो प्रभु की भक्ति हो सकती, नहीं तो यहाँ बैठ कर घर में चले जाओगे ना, यहाँ से एक अक्षर भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, सब यही पर छोड़कर चले जाओगे। लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं तभी ये सब चीज अपना जीवन में उतर सकती है, नहीं तो हृदय में कुछ भी उतरेगी नहीं, वो सुनोगे कथा खत्म, हम भी खत्म, हम भी खत्म होकर चले जाएंगे यहाँ से, फिर हृदय में कुछ उतरेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर गुरु जी कहते देख बेटा घर में जाओ, अपना धर्म को साथ में घर में रहो, और अपना घर गृहस्थी को पालन करो, भगवान की परिवार भगवान की संसार मान करके। फिर बोलते थे बोले कब तक रहोगे संसार में, बोले 50 साल तक, उससे ज्यादा साल नहीं। इसलिए 50 को बाद में 51 52 54 बन बोले घर में नहीं वृंदावन जा। इसलिए भागवत कहता है 50 ऊर्धे बनम ब्रजत, 50 साल के बाद में वृंदावन में जाकर भजन करो, नहीं तो घर में बहू को साथ में लड़ाई झगड़ा होगी, अरे भक्ति नहीं होगी, फिर माया के संसार में फंस जाओ। इसलिए वृंदावन जाओ और वृंदावन में भगवान की भक्ति सत्संग करो, भगवान की भजन करो, नहीं तो क्या होगा, बोले 68 उसमें बताया ना, फिर 60 हो जाएगा, 68 60 61 62 ये 60 क्यों बताया, फिर सठिया बन जाओ, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं, फिर और कुछ नहीं होगे है, फिर और तुमसे कुछ होने वाले नहीं, हाँ हो सकती है तुम्हारी, 69 70 71 बोले हाँ तुम तर भी सकते हो, लेकिन कैसे तरोगे, गोस्वामी जी कहते हैं सठ सो धरे सत सा गत पाई, सठ सो धरे सत सा गत पाई, सठ सो सचमुच से कोई साधु जीवन में मिले, कोई सचमुच से भक्ति करने वाले अगर हमें संत मिल जाए, अगर उनकी अनुगत्य करो ना तुम्हारा भी उद्धार हो जाए, क्योंकि संत कृपा बड़ी बलवान है, संत कृपा बड़ी बलवान है, संत तुम्हारे कल्याण कर सकते हैं। इसलिए श्री परजन बाबा सोच रहे हैं, भैया अभी मेरे उम्र हो गया 50 साल, बच्चे बड़े हो गए, शादी भी हो गई, अभी हमें जान बुझ करके संसार में टांग अड़ा करके नहीं रहनी,
चाहिए, अपने मुक्ति के मार्ग देखनी चाहिए। एक दिन पांच बच्चों को उन्होंने बुलाए, बुला करके उन्होंने क्या किया, बोले देखो तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी हमें घर में नहीं रहनी चाहिए, अभी दोनों पति पत्नी हम वृंदावन जाएंगे, भजन करेंगे, अभी बड़े बेटे को मैं राज सिंहासन में बैठना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी मेरे अंदर में राजा बनने का योग्य नहीं, ये नंदो को अंदर में राजा बनने का योग्य, आप इनको ही राज सिंहासन सौंप दो, क्योंकि इसका नाम नंद, नंद मतलब क्या, बोले आनंद दयती नंद, सबको जो आनंद प्रदान करे। तो उन्होंने आनंद सबको कैसे दिया, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया और हम लोग कृष्ण को भजन करके आनंद पा रहे, इसलिए उनका नाम श्री नंद बन गया, उनका नाम श्री नंद बन गया इनकी। अभी उन्होंने मझिला बेटे को राज सिंहासन में बैठाया, चले गए भजन करने के लिए। जब चले गए, अभी चार बच्चों को संतान है, केवल नंद बाबा का ही संतान नहीं, एक संतान के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम की, दान पुण्य तीर्थाटन यज्ञ बहुत किया, लेकिन घर में कोई बालक भी जन्म नहीं हुई। एक दिन कुछ ब्रज में संत लोग आए, बोले नंद बाबा जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, जो भाग्य में नहीं अगर साधु का कृपा हो जाए ना वो भी संभव हो जाता है, संत सेवा से सब कुछ होती है, क्योंकि संतों के हृदय में ठाकुर का निवास है। उन्होंने बोले भैया गंगा जब बहते बहते घर को सामने आ गए, फिर गोता क्यों नहीं लगाते भैया, उसमें गोता लगा दे। बोले संतों गोकुल में खाने पीने का कोई कमी नहीं, कुछ दिन यहाँ पर रुको, रोटी पानी सब्जी रोज मिलेगी, यहीं पर डट करके भजन करो। बोले भैया जब यहीं पर भजन पानी मिल रही है, कुछ दिन यहीं रुको और भजन करो। अभी वहीं पर बैठ करके हैं भगवान की भक्ति कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोल राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, वृंदावन में राधे राधे सेवा, राधे 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 राधे।
radhe 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 नंद बाबा इसलिए संतों की सेवा कर रहे हैं घर में एक छोरा भी जन्म हो जाए बोले इतना दिन से नंद के भोजन पानी कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी घर में लाला ही नहीं भयो। एक दिन एक ब्रजवासी इसको सुन करके नंद बाबा को बोल दिए। नंद बाबा बोले जब संत लोग कहते हैं घर में लाला होना चाहिए जरूर घर में लाला होगा है। क्यों संतों की वाणी कभी झूठा नहीं होती है। प्रसन्न हो गए बोले भैया रोज मालपुआ राबड़ी सब्जी रसमलाई खूब चकाचक भोजन करा संतों को। सचमुच से संतों की आशीर्वाद हुई ना। एक दिन मैया जसोदा ब्रह्म मुहूर्त में नंद दोनों स्वप्न देखते हैं बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसौ क्रीड़ांगमयाम लोक्यते। ये स्वप्न देखा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो करके सही होता है। अभी दोनों का नींद खुल गई। मैया जसोदा बोली नंद बाबा को मैंने बड़ा सुंदर एक स्वप्न देखा। नंद बाबा बोली मैंने भी एक स्वप्न देखी। बोले तू बता फिर मैं बताऊंगा। मैया बोली मैंने देखा मेरे पीछे पीछे एक श्याम रंग के एक बालक मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब कपड़े खींच करके बोले मैया मेरे को दूध पिला दे मैया मेरे को गोद में उठा ले मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से जैसे कोई एक लाला है। नंद बाबा बोले मेरी स्वप्न की बात सुन ले। बोले सुना दो। बोले मैंने भी देखा तेरी गोद में एक सुंदर बालक पौर रहा है और तुम्हारी दूध स्तन पान करते करते उनको दोनों धारों से दूध की झरी बह रही थी कुर्ता भीग रही थी। मेरे को लगा सचमुच से तेरे गोद में एक लाला है। सचमुच से मैया की गोद में उसी दिन उनकी गर्भ में बच्चा है। उम्र बीत गई थी संतान होने का। जब ब्रजवासियों को पता चला भैया ये बुढ़ी उम्र में मैया जसोदा गर्भ धारण की। भैया संतों की कृपा तो बड़ी मजबूत जोर जबरदस्त थी। अभी रास्ता में संतों को देखते बोले बाबा राम राम राधे राधे। बड़ी खातिरदारी होने लगी। बोले क्यों? बोले नंद लाला नंद बाबा घर में लाला नहीं हो रहा था। अभी सोच रहे थे भैया भविष्य में राजा कौन बनने वाला। अभी गर्भ में उनका देश का राजा आ गया इसलिए बड़ी प्रसन्न हो गई। और जो गोपियां थी ना वो 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा पहन करके हम बधाई देने के लिए जाएंगे। अभी ब्रज में जय जयकार हो रहा है। क्यों? भगवान कृष्ण आने वाले ठाकुर जी आने वाले हैं। अब विशेष करके आकाश में जब काला मेघ छा जाए ना चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। कितना व्यक्ति प्रसन्न होते हैं? चार। आज मैं बताऊंगा कौन कौन कल में सुन रहा उसे। ठीक है कौन बोल पाएगा बताओ हाथ उठाओ। तो मैं चार कारण बताऊंगा चार व्यक्ति कौन प्रसन्न होते हैं। कौन बोलेगा हाथ उठाओ। देखो सब चुपचाप हो गए कथा नहीं सुन रहे हो सबके सब भैया इसे कथा नहीं कथा सुन रहे कि नहीं। कौन कौन बोलेगा हाथ उठाओ। तो डर से भी हाथ उठाने उठा रहे। हाँ सुन लो। पहला व्यक्ति प्रसन्न होता है चाकर। ये चकोरा एक चिड़िया है वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा। वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। जब बारिश ही हो अभी आकाश में काला मेघ छा गया अभी जो चातक बड़े प्रसन्न होते बोले चातक यहाँ पर कौन। बोले नारद आदि जितने भक्त वृंद है चातक जैसे केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है भक्त लोग भी प्रभु की कथा के सिवाय इनको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब देखा कृष्ण रूपी काला मेघ आने वाले इसलिए नारद आदि जितने संत बड़े प्रसन्न हो गए। दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है बोले कौन। बोले मोर। मोर कब नृत्य करता है आकाश में जब काला मेघ छा जाए और रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो और आकाश में बिजली चमकाने लग जाए गड़गड़ 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 तभी ये मोर थिरक थिरक करके नाचना शुरू करता है। बोले ये मोर कौन है। बोले श्री नीलकंठ श्री भोले बाबा।
ये भोले बाबा प्रसन्न होते हैं कि वो प्रभु का लीला दर्शन करेंगे। इसलिए अभी हम सुनेंगे शंकर जी कैसे प्रभु को दर्शन करने के लिए गोकुल में ठाकुर जी कैसे आते हैं। जो नंदगांव कौन है, ये नंदीश्वर महादेव है, प्रभु की लीला के लिए उन्होंने ये पर्वत रूप में ये प्रकट हुए हैं। बोले तीसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता, बोले किसान। किसान जब खेती करता है, अगर बारिश नहीं हो ना खेती सब खत्म हो जाती है, लेकिन आकाश में जब काला मेघ छा जाए किसान खुश हो जाता, बोले भैया बारिश होने वाले, बारिश होगा तो खेती में गेहूं उगेगा। कभी यहाँ पर किसान कौन है, बोले पितामह ब्रह्मा जी, क्योंकि जगत को सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया है। लेकिन कंस शिशुपाल और सबके सब दैत्य लोग आकर के बड़ी उत्पीड़न कर रहे थे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे भैया लगता है मेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन कृष्ण रूपी मेघ जब आकाश में छा गया, कृष्ण आने वाले, फिर देखा भैया परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय सर्ववामी जुगे जुगे, भगवान अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करेंगे और संतों को प्रभु पालन करेंगे। ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। कितना कितना कितने लोग हो गए भैया, अभी चार नहीं हुआ। ये भगवान मैंने कितना बात बता दिया, अभी चार भी नहीं हुई। पहला नंबर कौन संतुष्ट हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर बोला ही नहीं। हाँ चौथा नंबर है हाथी। बोले जब जंगल में आग लग जाए ना, हाथी को बड़ा कष्ट होता है और हाथी इधर उधर भागता रहता है गर्मी में, लेकिन जंगल में आग लगे वहां फायर ब्रिगेड काम नहीं करती है। लेकिन बड़ी तेजी में जब बारिश ही होना, फिर जाकर के जंगल का आग बुझती है। लेकिन जब आकाश में काला मेघ छा गया, अभी बारिश ही होगी तभी तो आग बुझेगी। कहते भैया हाथी कौन है, बोले ये इंद्र चंद्र जितने देवता लोग हैं। जब देखा ठाकुर जी जन्म होने वाले, सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान की गर्भस्तुति कर रहे थे। बोले सत्यम व्रतम सत्य पराम त्रिसत्य सत्य सजोनीहितम च सत्ये सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणं प्रपद्ये। सारे देवता लोग आकर के भगवान की गर्भस्तुति कर रहे थे, क्योंकि भगवान जन्म ग्रहण करेंगे तो सारे दैत्यों को ठाकुर जी मारने वाले हैं। इसलिए सारा दुनिया जय जयकार कर रहा था, भगवान अभी जन्म लेने वाले ठाकुर जी। नंद बाबा की एक बहन बोले क्यों, बोले भैया की लाला होने वालों है, भैया की लाला होगा ना मेरे को बढ़िया दहेज मिलेगा, मेरे को दान मिलेगी, नवला की हार मिलेगी। वो छह महीना पहले आके घर में बैठी गई, घर का सारे काम काज वो कर रही है, हमको बढ़िया हमें दान मिलेगी, नवला की हार मिलेगी। अभी सारे घर का काम काज को वही कर रही थी। अभी मैया जसदा गर्भ धारण की, कुछ बड़ी बड़ी गोपियों ने कहा बोले मैया लगता है तेरे पेट में लाला होगा। बोले पता कैसे चला, बोले तेरे जो होठ है ना पीला पीला लग रहा। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली बोले तू कुआरी पड़ में जुड़मा केले तो नहीं खाई। बोले क्यों, बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे हैं, सचमुच से कृष्णा और जोग माया। गर्भ में जो बच्चा होना माता को चटपट चीजें अच्छी लगती है। यद्यपि मैया जसोदा बड़ी जितेंद्रिय थी, बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, बड़ी सुंदर खीर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, मैया जसोदा को खीर खिलाए। हाँ देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, ये माताओं के लिए, जब गर्भ में बच्चा होना एक गर्भ संस्कार होता है, नियम है उनको बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर की तस्वीर दिखाया जाए, क्योंकि जब जिस चीज को वो देखते हैं उनके अंदर में वही प्रभाव पड़ता है। जैसे देखोगे वैसे प्रभाव पड़ेगा। गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, वो बच्चा गर्भ में बैठे बैठ कर वो भी पढ़ लेता है। जैसे मैया जिस घर में माता जी भक्ति करते हैं, जिस उसी गर्भ में जो बच्चा है ना बड़ा पुण्यात्मा, जैसे मैया तुलसी परिक्रमा करती है पेट में बच्चा, वो भी परिक्रमा तुलसी करती है। जैसे माँ बैठ कर कथा सुनती है, वो बच्चा भी पेट में बैठ कर कथा सुनता है। जैसे माँ ठाकुर का प्रसाद खाती है, बच्चा भी तो वही खाएगा ना। जैसे मैया ठाकुर जी को प्रणाम करता है, बच्चा भी प्रणाम करता है। इसलिए जो मैया प्रभु की भक्ति करता है ना,
उसके पेट में जो बच्चा आता है बड़ी पुण्यात्मा बच्चा होता है, बड़ी पुण्यात्मा। इसलिए गर्भ में बच्चे रहते हुए हमें उल्टा पुल्टा डिस्को डांस नहीं देखनी चाहिए, गंदी चीज नहीं खानी चाहिए, गंदी चीज देखनी नहीं चाहिए। फिर बच्चा है ना, फिर तो बड़ा होते फिर उसका छोटा बोतल पकड़ाओगे तो फिर बड़ा बोतल पकड़ेगा, फिर बड़ा बोतल पकड़ेगा, फिर छोटा बंदूक पकड़ा तो फिर बड़ा बंदूक पकड़ेगा, बड़े होकर। अब देखना कोई भी कहते ना बेटा बादी नहीं सुनता, मतलब क्या है? ये हिरणा के हिरण कश्यप हुए कैसे? हम कल कथा सुन रहे थे ना, ये हिरणा के हिरण कश्यप कैसे हुए? बोले मैया की दोष से बच्चा अच्छे होते हैं और मैया की गुण से बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए गर्भ में बच्चे रहते हुए माता को उल्टा पुल्टा काम मत किया करो बेटा, फिर भगत ध्रुव प्रहलाद रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। अभी मैया जसोदा को बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की तस्वीर दिखवाया करते हैं, ठाकुर जी को जिसको देख करके बच्चे के गर्भ में भी अच्छा संस्कार पड़े। ऐसे लग रहा था आज रात को ही लाला जी जन्म हो जाए, बोले भैया 8 बजे तक सब जगते हैं, उसको बाद में सो जाएंगे, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दियो और उनको ढोलकी मजरा चिमटा पकड़ा दियो, सबके सब कीर्तन करते रहे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नहीं। श्री वसुदेव महाराज कब से मथुरा से कृष्ण को लेकर के आए, मथुरा से कृष्ण को लेकर के आए। अरे मैया जसोदा ने 2 बच्चे जन्म दिए, पहले तो कृष्ण को जन्म दिए, उसको बाद में जोग माया को 2 बच्चे जन्म दिए। अभी मथुरा से एक कृष्ण, फिर गोकुल में एक कृष्ण, कितना कृष्ण हो गए, कितना कृष्ण हो गए, 2। फिर एक कृष्ण गया कहां पर? कहते श्री गोकुल में जो कृष्ण जन्म हुए वो पूर्ण कृष्ण, और मथुरा में जो वसुदेव नंदन श्री वासुदेवी अंश है, ये जो पूर्ण कृष्ण गोकुल के अंश कृष्ण को उन्होंने मिला लिया। लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला, ये बात किसको पता ही नहीं चला। बोले ये शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले शंकर जी मैंने ये, बोले मैया पार्वती को बोले, बोले पार्वती मैंने ये चीज को देखा है। बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुवादे समम तदा गोकुलाख्य गुमान गतर सांबिका मथुराम गता। शंकर जी कहते मैंने देखा हे पार्वती, जसोदा नंद पत्नी च सुसुवादे समम तदा, कहते एक साथ में मैया जसोदा 2 संतान जन्म दी, और मथुरा के जो कृष्ण गोकुल का कृष्ण है, बोले घने सौदा में जता, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे ही ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नंदन कृष्ण को एक कर लिए, दोनों एक हो गए। लेकिन ये बात अंधकार में वसुदेव महाराज को पता ही नहीं चला, उनने सोचा मैंने तो बेटा रख करके बेटी को लेकर के आ गई, लेकिन कृष्ण दोनों का ही बेटा है, नंद का भी बेटा और श्री वसुदेव का ही बेटा, कृष्ण दोनों के ही ठाकुर जी बेटे हैं। अभी सोए पड़े हुए, अभी सबसे पहले सवेरे सुनंदा की आंख खुली, बोले भैया भाभी का हालत क्या है? वो आ करके दरवाजा खोल करके देखा मैया की गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलोना बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले श्री नंद के लाला की, लेकिन किसको बताए थे, सब सोए पड़े हुए। आप लोग माताएं बच्चों को जन्म दिए होंगे, आप देखना बच्चों को जब जन्म देते हैं कितने प्रसव पीड़ा होती है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कृष्ण कब जन्म हुआ मैया को क्या पता नहीं चला, कृष्ण कब जन्म होगी मैया सो रही कैसे? हाँ, जब कोई साधारण बालक जन्म होता है तब माताओं को प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन यहाँ पर कौन जन्म हुए हैं,
आनंद कंद भगवान जन्म हुए, जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण जन्म हुए हैं। इसलिए मैया को मीठी मीठी तो थोड़ी दर्द हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ा बालक हुआ ना बालिका हुई, क्या हुआ उनको पता ही नहीं चला। मैया तो ऐसे पड़ी हुई। सुनंदा बोली, भैया ये पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन भैया कहाँ ढूंढो, देखा भैया तो ब्रह्मांड घाट में बड़े बूढ़ों को बीच में बैठकर माला सटका रहे थे, वो माला नहीं हो रहा था, सोच रहे थे लाला कब है गो छोरा कब है गो लाला कब है गो छोरा कब है गो छोरा कब है गो, यही सोच रहे थे। इतने में श्री सुनंदा बोली, भैया कमाल है गए वे। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दी, बोले बहनी कहा भाई बताओ, बोले मिलेगा क्या पहले बताओ, फिर तो बाद में बताऊंगा, बोले ले नवला की हार तो ले ले। बोले भैया बात इतना बड़ी है ना, नवला की हार भी उसके सामने कुछ नहीं। बोले क्या जानते हो नवला की हार है? बोले बात तेरे को पता कितने बड़ी, बात इससे बहुत बड़ी, बता और क्या दोगे। बोले वही जो जमुना किनारे में जितने जमनी जागा थे ना, तेरे नाम पर सब लिखवा दूंगा, सबका तो मालिक ही बन जा, बता दे कहा भाई वो। बोले बात इतने बड़ी और जमुना किनारे में जितने जमनी जागा तभी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो तू, बताओ और क्या दो। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी काट तू ले, जो इच्छा खोल कर ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा तो वहीं से ही कौन लगाए, और जीवन में जब पहला बार लाला को मुख दर्शन किए, इतने आनंद हुआ। उन्होंने संकल्प किया 20 लाख गैया दान दूंगा ब्राह्मण को, और 7 तिल का पर्वत दान दूंगा, क्योंकि तिल दान की बड़ा महत्व है। सारे पहले संतो ब्राह्मण को बुलाओ, संतो ब्राह्मण की कृपा से बच्चा हुआ है, पहले वो लोग आशीर्वाद दे। फिर उन्होंने ब्रज में उन्होंने नौका भेज दिया, भैया सबके सब लाला की दर्शन करने के लिए बधाई देने के लिए आओ। जितने गोपियां 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके लाला को बधाई देने के लिए आई, और दूध दही मक्खन सबके सब लेकर के आ रही थी, कान में कुंडल पहनी हुई थी, वो बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। बोले तुम लोग पहुंचने पहले हमें छोड़ दो, चोटी में फूलों की श्रृंगार की थी, एक एक फूल उनके चरण में गिर रही थी। बोले क्यों? बोले जो लोग कृष्ण को बधाई देने के लिए जा रहे हैं, उनकी चरण की पूजा हमें करनी चाहिए। देखो जितने माताएं ध्यान देकर सुनो, अभी मैया जसोदा को ब्रज की जितने मैया थी ना बधाई दे रही थी। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, जितने आप माता हैं ना सबके सब बोलना बधाई हो बधाई हो, जोर से ताकत लगा करके। अरे रुक जा, जब मैं बोलूंगा बोले मैया जसोदा बधाई हो, आनंद नहीं आया, कुछ तो बोल रहे और कुछ चुपचाप बैठ गए। भगवान जन्म हुए क्या आनंद नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ और एक बार जोर से बोलो, बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो मैया बनी, बधाई हो बधाई हो गोपियों। ये बुढ़ी उम्र में भी ये लाला को मुख दर्शन करने को मेरे मिलो है, ये लाला मेरो नहीं लाला तुम सबको लाला, और जितने गोपियां है ना जितने माताएं बच्चों को आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, युग युग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिया यशोदा मैया तेरो ललना।
जग जग जियारी यशोदा मैया तेरे नाम संसार कृष्ण का आशीर्वाद दे रही थी। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, नियम है अगर कोई बड़े बूढ़े हमें आशीर्वाद देना वो आशीर्वाद बड़ा फलता फूलता है, लेकिन बड़े बूढ़ों को हृदय से आशीर्वाद कब निकलेगा? जब उनके चरण में प्रणाम करो, पिता माता के चरण में झुको ना, प्रणाम करके देखना हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा हृदय से। लेकिन अभी बच्चे लोग, पहले लोग क्या करते थे, सवेरे उठ करके पहले गुरुजन को पिता माता को प्रणाम करते थे, लेकिन अभी कोई प्रणाम करना नहीं चाहते। अगर प्रणाम करे ना झुक करके नहीं, इसे खड़े होकर ऐसे कर देते, हाथों तक अंदर में नहीं नीचे नहीं, हाथों तो करके नहीं। नियम है, नियम क्या है, चरण में झुक करके प्रणाम करनी चाहिए। जब प्रणाम करोगे ना पिता माता के हृदय से अंदर से आशीर्वाद आएगा, आशीर्वाद से ही बच्चे फलते फूलते रहते। अब लोग कोई पिता माता के कोई चरण छूते हो, कौन कौन छूते हैं सही सही बता रहे, कौन सवेरे उठकर पिता माता के चरण छूते हैं? कोई हाथ नहीं उठाए, कोई कौन चरण छूते हो? जैसे पिता माता की हो, सास ससुर भी हो, उनके भी चरण छूने चाहिए। देखो जितने बहू है सुन लो, आंख खोल कर बहू है सुन लो, अगर सास ससुर की चरण छूओगे ना बड़ा लाभ है। बोले क्या लाभ है, समझो तीन भाई है, तीन भाइयों का तीन बहुए हैं। अब देखना जो बहू सास ससुर की सेवा करेगी, अभी घर का जितने सारे सोना चांदी किसको पास में रहता है, सास को पास में। फिर उसको अगर तीन भाई हो, बंटवारा होगी तीनों भाई में। अभी जो बहू ज्यादा सेवा करेगी सास की, जब बंटवारा से पहले सास क्या करेगी, उससे कुछ सोना चांदी उठा करके जो सेवा करती है उसको पकड़ा दे, बोले तू उसको रख ले, वो सेवा की ना, बोले इसको तू रख ले, बोलना नहीं तुमको दे दिया, और जितना रहेगा सबको अंदर में बंटवारा होगी। इसलिए अगर गुरुजन को सेवा करोगे ना पिता माता की, लाभ ही लाभ है, नुकसान इसमें नहीं। और हम जैसे सास ससुर की सेवा करेंगे, हम भी एक दिन सास ससुर बनेंगे, हम जैसे सेवा करेंगे हमें भी ऐसे सेवा होगा। अगर तुम अगर उनको सेवा नहीं करोगे तुम्हारी कहां सेवा होगी, हो ही नहीं सकती है। हम सेवा करेंगे सेवा तभी तो होगी। इसलिए ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए, एक दिन हम भी एक दिन सास ससुर बनने वाले हैं, हम भी सेवा करेंगे हमें भी सेवा मिलेगी, ये चीज को ध्यान रखना। अभी सब माताएं हृदय से आशीर्वाद दे रही थी, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। अभी पूरा ब्रज मंडल के सबके सब लोग आ गए, लेकिन अभी दो व्यक्ति नहीं आए। श्री कौन कौन नहीं आए, बोले श्री वृषभानंद महाराज कृतिका सुंदर, ये राधा रानी की पिता माता, ये दोनों आ जाए ना फिर उत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते ये दोनों भी प्रवेश किए, प्रवेश करने पर फिर नंद महोत्सव प्रारंभ हुई है। एक गोप ने आकर के माता जो कृतिका सुंदर थी उनके सर के ऊपर जो मटकी थी ना दूध दही मक्खन की, एक डंडे से उनको तोड़ दिए तो मटकी फूट गई, और कृतिका मैया ने दूध दही से पूरा का पूरा स्नान कर लिया। फिर तो उत्सव प्रारंभ हो गई, दही में हल्दी घी लगा करके एक दूसरे को ऊपर में लगा रहे थे, और वहां पर इतनी दही दही फैल गई, वो कीचड़ कीचड़ हो गया और फिसल फिसल करके एक दूसरे को ऊपर में गिर रही थी, और मक्खन डेले को डेले उठा उठा करके एक दूसरे को ऊपर में फेंक रहे थे। एक बड़ी बड़ी गोपियां वो तो देख रही थी, बोले भैया बड़े चोर के नंद महोत्सव है रहे, वो ऐसे देख रहे थे, उसकी एक दांत नहीं थी। एक गोप ने उठाया के मक्खन की डेला और माता जी की मुंह को सीधा करके ना लक्ष्य करके फेंके, और मुंह में लगते ही दांत तक थी नहीं और पूरा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते, इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
की घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की विश्वानंद महाराज बैठ बैठ करके मटक मटक कर देख रहे थे सब गोप पकड़ करके ले आए बोले कहा नंद बाबा के आंगन में बहुत बढ़िया आंगन इतने दूध दही लाए थे पूरा आंगन दूध दूध में दही दही भर गया लग रहा था जैसे कोई समुद्र में खीर समुद्र प्रकट हो गया नंद बाबा देखने में बड़े लंबे चौड़े गौरव भर में थे कमर में फेटे बांध करके रखे थे एक तरफ में नंदगांव के गोप दूसरे तरफ में बरसाना के गोप खेच करके बीच में ले आए लग रहा था मानो अभी खीर समुद्र मंथन होगा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे समुद्र लवण समुद्र मंथन से सबसे पहले बीस निकला जिसको भोले बाबा पान किया तो जिनका नाम पड़ गया नीलकंठ नाम पड़ गया शंकर जी जहर को कहां पर धारण किया गले में बोले हृदय में क्यों नहीं मुंह में क्यों नहीं बोले कोई गंदी चीज हो ना हृदय में मत लिया करो हृदय गंदा हो जाएगा अगर मुंह में कोई चीज रखोगे तो वो भी गंदा हो जाएगा वो भी अपवित्र हो जाएगी झगड़ा होगा देखो ध्यान देकर सुनो जितने माताएं ध्यान देकर सुनो कोई गंदी चीज मुंह में मत रखा करो फिर क्या होगा लड़ाई होगा इसलिए ये महाभारत क्यों हुई ये द्रौपदी की वजह से ये द्रौपदी इतनी बात बोल दी अंधा का बेटा अंधा होता है इतना बुलाना सारे महाभारत हो गए सारे सारे महाभारत हो गई हैं बोले ये रामायण क्यों हुई ये मैया सीता की वजह से मैया सीता लक्ष्मण को बोल दिए जिस समय मारीच हिरण बन करके आए राम उसको पीछे गए वो तो था राक्षस प्रभु बाण मारे तो मारीच ने जोर से पुकारा भैया लक्ष्मण सीता बोले देखो तेरे भैया पर कोई विपत्ति आ पड़ी है लक्ष्मण बोले भैया को पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती क्यों उनको पता ही भगवान है ना इतने में लक्ष्मण बोले नहीं राम तो मेरे को बोल कर गए आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है सीता इतनी सी बात बोल दी बोले हाँ अभी मैं समझ रही हूँ तू साथ में क्यों आया था तू ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे अभी लक्ष्मण तो सीता को अपना माँ मानती है अगर माँ अगर इसे बोले लक्ष्मण के दिशा में करे उन्हें लक्ष्मण रेखा को काट करके चली गई मैया सीता दो गलती की मैया सीता तो गलती करती नहीं वो जगत को शिक्षा दी है पहला गलती की तो लक्ष्मण रेखा को उन्हें पार किया दूसरे गलती किया कि अपना जीवा को उन्हें चलाया अपना जीवा को चलाया वहां से लक्ष्मण चले गए और रावण सीता मैया को उठा कर ले गया पूरा रामायण हो गया हाँ इसलिए गुरु जी कहते थे देखो सब चीज में हड्डी है जैसे अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है हाथों में हड्डी सीधा हो जाता है कमर में हड्डी सीधा होकर बैठते हैं लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं बताओ तो किसी में नहीं आता ये जीव में हड्डी नहीं इसलिए हर्ष में लपर 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 कुछ ना बोलते रहेगा वो बिना बोले चुप होकर बैठेगा नहीं कुछ ना कुछ बोलते रहेगा जीवा हाँ इसलिए और ये जीवा है ना जितने लड़ाई का कारण बनता है देखना घर में भाई भाई में क्यों लड़ाई है संसार में क्यों लड़ाई है कुछ बात नहीं है कोई बात नहीं केवल ये जीवा थोड़ा स्लीप हो गया थोड़ा जीवा फिसल गया थोड़ी सी मुंह से कोई एक बात निकल गई देखना बोले उसने मेरे को ऐसे बोला लेकिन कुछ हुआ ही नहीं हुआ नहीं कुछ लेकिन उसने मेरे को ऐसे बोला ना क्यों हमें ऐसे बोलेगी किस लिए देखना बहू बहू में घर घर में भाई भाई में सास बहु में सास सब में लड़ाई लड़ाई शुरू हो जाती है ठीक है ना इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं माताओं के लिए खबरदार कभी जीवा को चलाना नहीं ये जीवा को चलाने से पहले 100 बार सोच करके ये जीवा को चलाओ नहीं तो तुम्हारे घर में भी महाभारत रामायण आ जाएगा हैं इसलिए और दूसरी शिक्षा किया दिए माताओं के लिए कि जो लक्ष्मण रेखा को कभी क्रस मत करो पार मत करो नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा मतलब कि आप बोले मर्यादा से बाहर कभी मत जाया करो नहीं तो रावण ही हमें उठा कर कहीं ले जाएगा ठीक है ना इस सब चीज को सावधान करा रहे हैं
इसलिए समुद्र मंथन से सबसे पहले श्री जहर निकला तो श्री शंकर जी अपना गले में वो बीस को शंकर जी अपना गले में धारण किया, लेकिन वो समुद्र मंथन से तो बीस निकला, लेकिन यहाँ पर जो खीर समुद्र मंथन हो रही थी इससे पहले क्या निकला, बोले अमृत निकली। यहाँ से स्वयं कृष्ण स्वयं निकले, यहाँ पर आनंद कंद कृष्ण स्वयं निकले। लवण समुद्र से 14 रत्न निकला था, लेकिन ये समुद्र मंथन से श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित लक्ष्मी क्रीड़न अभूत नृप, कृष्ण जन्म होने पर नंद बाबा इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात दान किए। ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, ये गठली के कोने से गिरते गिरते जा रहा था, हैं? ऐसे लग रहा था कृष्ण ब्रज में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही है, इतने उन्होंने दान दिए। वहां पर 33 करोड़ देवता आए थे, भोले बाबा भी आए थे, शंकर जी का बाहन बताओ तो, शंकर जी का बाहन कौन है, कौन बोले हाथ उठाओ, शंकर जी का बाहन कौन है, नंदी, शंकर जी का बाहन नंदी, नंद बाबा तो 20 लाख गैया दान दिए, अभी शंकर तो चक्कर में पड़े गए, बड़े इतने गैया दान दे रहे हैं, वो गैया दान देते देते ऐसे नहीं हो मेरे नंदी को भी दान में नहीं देते, पर भैया मेरे बाहन चला जाएगा तो मैं बैठ करके कैसे जाऊंगा, शंकर तो उसको पूछ को पकड़ कर खड़े हुए। बोले वहां मैया पार्वती भी आई थी, उनके भी 2 लाला है, कौन कौन है, कौन कौन पार्वती के कौन 2 बेटे कौन है, कार्तिक और गणेश, गणेश भी आया था, गणेश जी का सर हाथी का सर, बोले हाथी घोड़ा पाल की जय के नैया लाल की, बोले मैया डर गई, बोले क्यों, बोले इतने हाथी दे रहे हैं, हो ना हो मेरे बेटे को हाथी मानकर दान में नहीं देते, फिर बेटा चला जाएगा, फिर तो उन्होंने गोद में लेकर के बड़े जोर से चुपका कर खड़ी हुई थी। वहां पर कुबेर भी आए थे, इतने दान पुण्य की कुबेर भी लज्जित हो गया, बोले भैया मेरे पास में इतने भी धन दौलत नहीं, आज इतने दान दे रहे हैं। बोले नंदी बंदी और आनंदी वहां पर भी आए थे, जो जितने मांग रहे थे ना, नंद बाबा तो डबल डबल करके दे रहे थे, लास्ट में ऐसे हो गया कोई लेने वाले नहीं, सबके सब देने वाले हो गए, इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे, हम लोग बधाई को सुनिए, ठीक है, भोले नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे की, आज पर भी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, प्यार पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जो, रस खीर सिरोही निरूप रसा, कि नंद महीप बने नमकीने, कि नंद महीप बने नमकीने, गोकुल गोप सब गरम मसाला, अरे जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला, अरे जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला, बोलो नंद के लाला की। तो 84 को ब्रजमंडल में जब नंद के लाला भयो है, तो खाली भारतवर्ष में नहीं पश्चात देश में भी लोगों को पता चला कि नंद के घर लाला भयो है। अब जैसे ही पता चलो पश्चात देश में, यानी कि विदेश में, अमेरिका जापान जर्मन
रसिया सबको पता चला और वहां से लोग भाग आया कहा वृंदावन में। आप लोग इस्कॉन मंदिर देखा क्या वृंदावन में? किस किस ने देखा मंदिर? देखा है आप लोग तो वह देखे होंगे कि कुछ विदेशी गोपियां भी रहती है उसमें, विदेशी गोपियां। और कुछ दिन इंडिया में रहने के बाद थोड़ी थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी हिंदी में कैसे बधाई दे रही है देखिए। बोले काम ही अरे माय डियर, काम ही अरे माय डियर कृष्ण कन्हैया, तेरे लिए दिल में मैंने बिल्डिंग बनाई। काम ही अरे माय डियर कृष्ण कन्हैया, तेरे लिए दिल में मैंने मंदिर बनाई। काम 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 नंद नंदना, काम 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 नंद नंदना, लव मई गीता रामायण। काम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, तेरे लिए दिल में मैंने वो उठकर क्या बोल रही है देखिए, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी हिंदी। कैसे बोले डोंट टच माय गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माय गगरी मोहन रसिया, मोहन रसिया माय मायन बसिया, मोहन रसिया माय मायन बसिया, डोंट टच माय गगरी मोहन रसिया, टच माय आप देखिए। अब भारतवर्ष में जब हिमाचल वासियों को पता चला तो वहां से लोग भाग आए और हिमाचली भाषा में कैसे बधाई दे रही है देखिए। ओरे शामा कुंडलुआ कुंडलुआ बाल तेरी पै पै बेदा, ओरे शामा कुंडलुआ कुंडलुआ बाल तेरी पै पै बेदा, ओरे शामा कुंडलुआ कुंडलुआ बाल तेरी पै पै बेदा, पै 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 बेदा हो शामा पै पै बेदा, श्यामा कुंडलवा कुंडलवा बा तेरी पै पै बेदा। अब देखिए उसके बाद क्या है, हिमाचल के बाद पंजाब, पंजाब के तो वेशभूषा कुछ अलग ही है। हे हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ पगड़ी बांध के, पगड़ी बांध करके सब लोग आए वृंदावन में और एक सखी बोली तुसी किथे जांदा, बोले उत्थे नंद के घर लाला हुंदा, तो वही जा रहे हैं। तो आइए पंजाब के लोग कैसे बधाई दे रहे हैं। भी में नचना मोहन देना आज में नच लेने, भी में नचना मोहन देना आज में नच लेने, नच लड़ते में नच लड़ते, नच लड़ते में नच लड़ते, में नच न मोहन देना आज में नच लड़ती, में नच न मोहन देना आज में नच लड़ती। अब देखिए आंध्र प्रदेश जहां पे तिरुपति बालाजी सबसे धनी ठाकुर, एक बार दर्शन करने जाओ तो 5-6 घंटे लाइन में खड़ा रहने पड़ेगा, वो भी 400 रुपया टिकट। तो सबसे धनी ठाकुर वहां से लोग भाग आए वृंदावन में और वहां से लोग आकर के कैसे बधाई दे रहे हैं।
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ओ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम अब देखिए महाराज बिले बारले सांता क्रूज अंधेरे ईस्ट वेस्ट सब जगह से लोग आए महाराष्ट्र पुणे वहां के लोग बाग आकर क्या गा रहे हैं उनका तो क्या है भगवान कृष्ण में भी क्या दिखता है मज पांडुरंग विठला 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 मज पांडुरंग विठला आप देखिए कलकत्ता वहां से लोग बाग आए बंगाली लोग जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था वहां से भी लोग बाग आए नवद्वीप मायापुर 24 परगोना ये सब जगह से लोग बगाए और बंगाली लोग आकर के वृंदावन में कैसे बधाई दे रही है देखिए ओ साधेर लाओ बनाइलो मोरे गोइरा ओ साधेर लाओ बनाइलो मोरे गोइरा लाओ रे पागा खाइला डोगा सु खाइला लाओ रे आहा खाइला डोगा सु खाइला अब देखिए उसके पास में लगा हुआ क्या है उत्कल देश उड़ीसा यहाँ पे जगन्नाथ थे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा वहां से भी लोग बाग आए खीरचरा गोपीनाथ साखी गोपाल सब जगह जगह से लोग आए कोनार उदयगिरी नीलगिरी वहां से लोग बाग आए उड़ीसा देश से और वहां के लोग कैसे बदल देने लगे मोर काल ठाकुर मोर काल ठाकुर पदेवी तुआ पदे पक ठाकुर काल ठाकुर मोर काल ठाकुर पदेवी तुआ पदे पक आप देखिए पवित्र भूमि राजस्थान क्या बात है राजस्थान में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और सब प्रभु चले गए राजस्थान इतने पवित्र भूमि है तो वहां से लोग बाग आए और राजस्थानी भाषा में कैसे बधाई दे रही है ठाकुर अरे लीन हो ना राम जी को ना अरे लीन हो ना राम जी को ना थारे सखी की ओ लठी उमर भई रे अरे लीन हो ना राम जी को ना थारे सखी की ओ लठी उमर भई रे अरे लीन हो ना राम जी को ना आप तो देखिए राजस्थान से लगा हुआ है यूपी जो पूजरी का लोटा है ना गोवर्धन की परिक्रमा में वो लगा हुआ है राजस्थान तो आप तो ही भी लगा हुआ है तो ब्रजमंडल 84 कोस में जब कान्हा ने जन्म लिया तो वहां 84 कोस ब्रजमंडल के गोपियां 84 गोद के लहंगे पहन करके और सब लोग आए नंद के द्वार पे बधाई देने तो आइए आप सभी लोग खड़े हो जाए और बधाई में नाचे अरे जय हो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो बज गए
अल्लाह तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो अल्लाह तो मच अरे हल्ला तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो अल्लाह तो मच अरे जायो जसदा जी ने लाला मोहल्ला में अल्लाह तो मच गयो अल्लाह सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो अल्लाह सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो अल्लाह सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो अरे जायो अरे जायो जसोदा जी ने लाला अल्लाह में अल्लाह सो मच गयो अरे मैया लुटा बे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो हल्ला तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो हल्ला तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो अरे जायो जसोदा जी ने लल्ला अल्लाह में अल्लाह तो मच गयो सिराल है अरे मैया लुटा बे छाप छल्ला अल्लाह में अल्लाह तो मच गयो मैया लुटा बे छाप छल्ला अल्लाह तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो अरे अल्लाह तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो अरे जायो अरे जायो जसोदा जी ने लल्ला अल्लाह में हल्ला तो मच गयो Thank you.
हर नंद झुके हे नंद झुके अब नामे कजी दे आज बधाई हे नंद झुके अब नामे अरे सौ सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई हरे नंद झुके हरे नंद झुके अब नामे बजी रही आज बधाई हरे नंद झुके अब नामे बजी रही आज बधाई श्री राम है इधर कोई नहीं नजर खाली वहीं पे नजर है दो चार पीछे क्या हो गया अरे नाचना नहीं आता है तो कम से कम एक बार इधर करो एक बार उधर करो ये नाचना हो गया है कम से कम शरीर भी तो गर्म हो गया ऐसे ही नाचो सब लोग हरे नंद झुके हरे नंद झुके हरे नंद झुके आज बधाई हे नंद झुके अरे बातों ही बात में बात चली गई हो गई बात निराली हो बातों ही बात में बात चली गई हो गई बात निराली बातों ही बात में बात चली गई हो गई बात निराली हरे नंद झुके हरे नंद झुके अपने नामे बज रही आज बधाई हरे नंद झुके अपने नामे हरे नंद झुके हरे नंद झुके अब नामे बज रही आज बधाई हरे नंद झुके अब नामे बज रही आज बधाई हरे नंद झुके अब नामे बज रही आज बधाई हरे नंद झुके श्री राम है हरे नंद झुके हरे नंद झुके अब नामे बज रही आज बधाई हरे नंद झुके श्री राम है ¶¶
इतनी खुशियां मनाई हरे नंद झुके हरे नंद झुके हरे नंद झुके अंगे नामे अज दैया आनंद भय तो आप क्या बोलेंगे जय तो नहीं आना हाँ सभी लोग एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे हे नंद घर आनंद भयो हे नंद घर आनंद भयो हे हाथी दिने घोड़ा दिने हे हाथी दिने घोड़ा दिने हे जवान देखो हाथी घोड़ा हे जवान देखो हाथी घोड़ा घोड़ा दिले आनंद मंद भयो नंद घर आनंद भयो